हाँ और बादम रात को जब ऐसी जगह पे कैंप करने आओ और अंधेरे में पहुंचे तो पानी सबसे पहले जरूरत होती है। लकड़ी के लिए भी जब तो जहर करनी पड़ रही है। तो मेरे पीछे आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये दूधातोली रेंज में पड़ता है और जगह का नाम है काराकुम। उत्तराखंड में आपने कमर्शियल तो बहुत सारे शहर सुने होंगे जहाँ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल नज़र आएंगे, जैसे केदारकांठा की तरफ आप जाएँ, ताराकुंड पहुंचने के लिए आपको जो है अगर आप पैठाणी की तरफ से आ रहे हैं और चाहे आप जो है त्रिपाली सैंड की तरफ से आ रहे हैं तो ये बीच में जगह पड़ती है मजरा महादेव। तो इसके लिए इस डेस्टिनेशन को आप इस तरीके से जान सकते हो। यहाँ पे जो है शिव पार्वती की ये मूर्ति आपको दिखाई देगी और ठीक इसके इस तरफ से जो ऊपर के लिए जो यहाँ पे से रोड कट रही है यही रोड ऊपर जा कर के बड़ेत गांव होते हुए ताराकुंड के लिए जाती है। मजरा महादेव से करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद बड़ेत गांव हमारी नज़रों के सामने था। बहुत ही बड़ा गांव और पूरे गांव में हमें हरियाली देखने को मिली। बड़ेत गांव में पहुंचते ही हमारी मुलाकात यहां 3 बुजुर्गों से हुई जिन्होंने हमें इस गांव और ताराकुंड के बारे में बताया। पूरे डाली कनार जगह वो है वो। आज हाँ। मौसम सूखा हो गया ना, बरसात बहुत अच्छा बरसात में। अरे बरसात में वहाँ कमल खिलते हैं, अच्छा फूल खिलते हैं और तालाब पूरा भरा रहता है। एक इधर कुंड होगी ना, वो कुंड में जो है ना उसे पानी लेते थे। बहुत साल बाद मैंने भी ऐसा गांव देखा जहाँ मतलब नीचे तक पूरे खेत जो है हरे भरे हैं। उधर से क्या क्या होता है यहाँ वैसे? सारे खेत भरे पड़े रहते हैं। कोई नहीं,
अच्छा, बस कितना हो जाता है सीजन में? बहुत यहाँ से गाड़ियाँ जाते हैं। अरे यार, जब गाड़ी भी देते हम तो अपने लिए तो करते होंगे। अच्छा, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी धान की खेती। अच्छा, धान भी होता है यहाँ? धान कौन सा वाला? धान तो कई किस्म का होता है। अच्छा, लाल वाला चावल भी होता है यहाँ पे भी? लाल चावल होता है, सफेद चावल होता है, बारीक चावल होता है, एक वो छोटे उड़ने होते हैं उसका। अच्छा, वो टूट वाली। अच्छा, वो होता है। अच्छा, वो छीला चावल बोलते हो? थोड़ा अपने लिए हो जाता है। तो ये मतलब पूरी ढाई झूली पट्टी में ही ऐसा है या सिर्फ आप लोगों ने अपने गांव में? सभी जगह ऐसा थोड़ा सा। हाँ, और चौथान तक। हाँ, आपके यहाँ चौथान तक जमीन है? अच्छा, अभी भी चल रही है? आप छोड़ दिया लोगों ने खेती? यहाँ तो बिल्कुल नहीं छोटी हुई है। अच्छा, तो पलायन भी हो रखा है इस गांव से? हाँ, बहुत पलायन है। पलायन कम से कम 50-60 में हो। अब लग रहा आपको भी आने वाले टाइम में भी जो है ये ऐसे ही रहेगा आगे? 50-60 में चले गए ना। हाँ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अच्छा, वो उनके खेती बाड़ी हो रही जो 50-60 गए? बिल्कुल, कोई उनके भाई बंद कर रहे हो? भाई बंद है, छूटता ही नहीं है। अच्छा, दो गए तो चार हुए। अच्छा, छोटे लोग। अच्छा, दूधा तोले की कौन सी रेंज है? दूधा तोली पाँच में है इलाका। अच्छा, गंगदोला मानी पैठानी क्षेत्र। हाँ, पैठानी मतलब गंगदोला पैठानी। अच्छा, अच्छा, जंगल पल्ली तरफ है। पल्ली तरफ, उस तरफ के लिए? अच्छा, हाँ, ताराकुंड के ऊपर की तरफ? हाँ, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, खंड की तरफ। अच्छा, चमोली लगता है उधर? चमोली, गैरसैंण। गैरसैंण, हाँ, गैरसैंण। हाँ, यहाँ राजधानी बन रही थी कभी? राजधानी क्या है? ये राजधानी? हाँ, गैरसैंण तो यहाँ है ना। हाँ, इसके पीछे उस तरफ। अच्छा, यार भाई, पदर का भाई, धन्यवाद आपके लिए। अच्छा, आप हमारे इलाके में आए और आपने हमसे पूछताछ की और हमने आपको जो हमें जानकारी थी उतने जवाब दिए। अच्छा, हाँ, औला बादम। इस गांव में लगभग हर परिवार के पास है ना? हाँ, गाय भैंस लगभग कितनी होगी कम से कम हर परिवार में? किसी के पास दो दो है, किसी के पास तीन तीन है, किसी के पास एक एक है, पर है जरूर। जरूर। ताराकुंड जाने के रास्ते के बारे में बताऊं तो पीछे की तरफ आप देखो तो ये जो सामने नीचे गांव दिखाई दे रहा है, ये बड़ैत गांव है। बड़ैत गांव से ठीक है खड़ी चट्टान, खड़ी चढ़ाई ताराकुंड की तरफ। इस तरीके का पूरा रास्ता है। बड़ैत गांव से हमने चलना शुरू किया और रास्ते ऊबड़ खाबड़ पूरे रास्ते हैं। सबसे पीछे अपनी टीम में मैं ही चल रहा हूँ, मेरे साथी जो थैलीसैंड से मेरे साथ है वो आगे पहुंच चुके, मेरे इंतज़ार में रुके हुए हैं। और हम आज के लेबर चढ़ाई बहुत गंदी है, लेकिन अब समतल समतल आ गया। कहाँ ऊपर? घास का एक बड़ी लाना छो बोड़ा है। अच्छा, बांझ। अच्छा, गोरू खंड जाना छो? हाँ। अच्छा, भैंसू खंड घास नहीं होना? अच्छा, गरम का तो लोग सी आप का बुढ़ बुढ़िया जवान का की जवान को नहीं लोड़नी है? यख नहीं लोड़नी सी ना। अच्छा, चलो तब। अच्छा, धन्यवाद।
शाम के करीब 5:30 बजने वाले हैं और धूप बिल्कुल अपने मुहाने पर पहुंच चुके हैं सूरज। और बड़ेद गांव से शुरू हुआ है सफ़र, ऊंचाई पे और ज़्यादा हम बढ़ने पर लगे हैं तो अब शाम होते होते हिमालय भी दूर हमें कहीं दिखाई देने लगा है। देर बहुत ज़्यादा हो गई है, सबसे पीछे मैं ही छूटा हूँ तो अब लगातार हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमें ऊपर पहुँच के लकड़ियाँ भी जमा करनी है। और इसके साथ साथ टेंट भी लगाना है। वैसे नीचे गांव वालों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि ऊपर रहने की पूरी व्यवस्था है, बहुत ही शानदार इस वक्त सनसेट का व्यू। नीचे से जिस पीक पे हमने चढ़ना शुरू किया था उसके हम इस वक्त बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। टॉप का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा एक किस्म का तप्पड़ यहाँ से शुरू हो गया। रास्ता जो है वो हम भटक गए थे और भटकते भटकते जैसे तैसे पीछे की तरफ से हम यहाँ पहुँचे हैं और यही जगह है शायद, यही है। बहुत ही खूबसूरत ताराकुंड। रास्ते में हमारे दोस्त लोग खो गए थे, वो पहले यहाँ पहुँच गए थे। हम पहुँच चुके हैं पहले ही और अभी हमारा कैंपिंग साइड हमारा यहाँ पे होगा। कैंपिंग करेंगे, खाना बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। दूधातोली रेंज के बारे में अगर आपको सबसे ज़्यादा वीडियो अगर YouTube पे इस वक्त मिलेंगे तो विकास भाई के ही हैं। दो वीडियो और कैसा रहा आपका हर बार का इस रेंज में जितनी बार भी आपने एक्सप्लोर किया? अच्छा लगता है काफ़ी, और जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो मतलब कैंपिंग करने का हर चीज़ एक करने का मज़ा आता है। दूधातोली का मतलब जो दूधातोली है वो तो अनटच भी है, उसको अनटच वर्जन ब्यूटी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक वहाँ पे कम लोग जाते हैं और अनटच है बिल्कुल, और अनटच जगह को देखने का मज़ा ही कुछ और आता है जब जगह के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। चाहे किसी भी आप तो उसकी ट्रैक की बात करो उसका कंपेयर आप इस रेंज से नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात, अगर आप कहीं भी कैंपिंग करने जाओगे आपको भीड़ मिलेगी, 10 चीज़ें मिलेंगी। मतलब जो अपना मतलब होता है आदमी इंडिपेंडेंट फील नहीं करता ज़्यादा, तो यहाँ पे इस टाइप का कल्चर बिल्कुल नहीं है। और रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, विंटर लाइन भी बहुत प्यारी यहाँ से दिखाई दे रही है। और इस चोटी के ठीक पीछे जो वो मैंने देखा चौखंबा भी दिखाई दे रहा है। सुबह के टाइम में चौखंबा दिखेगा, बट सीन अभी जो सीन है वो एकदम बॉयज ताराकुंड पहुंचने के बाद शाम को खूबसूरत नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। विंटर लाइन की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। क्या कर रहा है तू? परमानेंट कर रहा है इसको? इसके अंदर फंसाना इसको ऐसे करके और एक बार मार दियो भाई। कोई बात नहीं, बैठो। इसकी डंडे कहाँ हैं? क्या बिचौक से की?
रात गए हम ताराकुंड पहुंचे हैं, तो लकड़ी के लिए भी हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। थोड़े निकाल सकती हूँ? रुको, निकल गई। रात को जब ऐसी जगह पे कैंप करने आओ और अंधेरे में पहुंचो तो पानी सबसे पहले जरूरत होती है। यहाँ पे नेचुरल सोर्स है, एक कुआं भी है यहाँ पर पे ताराकुंड में। रात को अभी लकड़ियां जमा करने के बाद जो है चमोली की तरफ हम लकड़ियां लेने गए थे, और अब दोबारा से हम जो है पौड़ी की तरफ आ गए हैं कैंप साइट पे। बड़ी मुश्किल से लकड़ियां मिली हैं, और अब हम सबसे पहले यहां पे सूप बनाने जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, टेंट भी हमारे लग चुके हैं। कुछ मतलब इसको उठाने के लिए भी कुछ बना दो इंस्टेंट, पहले बाहर निकल किसी को कपड़ा इसकी जगह। हाँ, मटर और ये बन रहा है अभी हमारा सूप, और ये स्पेशल सूप है, इसमें है मटर है, पालक है, और प्याज है, और टमाटर है, एंड इसमें पड़ेगा सूप, और इसमें डाले हमने लौंग भी डाले और काट दे इधर भी, और लौंग के साथ हमने इलायची डाली है, और भी एक दो स्पाइस और डाले, और अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए होने देंगे। बस भाई इसमें प्याज और काट इसकी करना बन जाए। रात के करीब इस वक्त जो है 7:30 बज चुके हैं, और ये हमारी कैंपिंग में पहली मील बन करके तैयार हो गई है। विकास भाई स्पेशल सूप कहानी के साथ कोई फुल ऑन प्रमोशन है। हाँ भाई, अबे ये देना नमक तो यार, नमक डालना भी हम भूल गए। ना डालना नहीं भूल गए, उस टाइम में डाल रहा था तुमने टोक दिया हसी, तो कम हो रही है कम हो रहा था, उस डर लग रहा था ना उस टाइम हमें कहीं ज्यादा ना हो जाए। अरे तो मैं तो हूँ तभी तुम बोल रहा था ज्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं हो सकता। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिरने पे लगा हुआ है, पाला इतना पड़ रहा है कि हाथ काम नहीं कर रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, हम इतने हैवी ये खा रहे हैं, स्पाइस खा रहे हैं कि हमें ज्यादा कुछ मतलब असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कैंपिंग पे आते हैं और आप ऐसे आउटडोर में खाना बनाते हैं कैमरा के तो आप मतलब ज्यादा फोकस करें, मतलब जैसे होती स्पाइस होती हैं जो तो बॉडी के लिए अंदर से गर्म भी होती हैं, तो उनको खाने से थोड़ा ठीक रहता है, वरना उठेंगे सुबह तो ऐसी हालत रहेगी कि भाई बस चलो घर की तरफ। रात के टाइम पे कभी भी आपको कहीं पर पे कैंप फायर बोन फायर या आप कैंपिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह पर रुकना है जहाँ पानी हो, फिर उसके बाद लकड़ियाँ ढूंढनी है, और फिर उसके बाद आग जलानी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, तो ये तमाम चीज़ें मस्ट हैं सबसे पहले। और इस वक्त हम ताराकुंड में हैं, और ताराकुंड में मामा ये हमारा अभी बॉनफायर चल रहा है, खाना हम बना चुके हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो गई है, रात को हम इसी टेंट में रुके थे, और पाला बहुत ज़्यादा पड़ा है, बिल्कुल नीचे सफ़ेद चादर जो है वो बर्फ जैसी जम गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लगभग रात को माइनस में टेम्परेचर था, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ताराकुंड का, चारों तरफ जो है ये बांज बुरास और ये तमाम पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और ऊपर आसमान में बादल भी हैं, अभी तक सूर्य नारायण देवता के भी अभी तक दर्शन नहीं हो पाए। अगर ताराकुंड में हम देखें तो ये इसका पानी तक जम चुका है, इसका पानी जो है वो भी फ्रीज हो चुका है, ये देखो इतनी ज़्यादा ठंड है। और सामने ठीक पौराणिक मंदिर, बाकी साथी लोग अभी
उठे नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई ने यहाँ पे सुबह सुबह आग भी यहाँ पे हमारे लिए जला दी है। सुबह कुछ देर बाद जब धूप निकल कर आई तो हमने ताराकुंड को चारों तरफ से एक्सप्लोर किया। ताराकुंड का खूबसूरत नज़ारा और उस पर पड़ता चारों तरफ का रिफ्लेक्शन देखते ही बन रहा था। दूर से हिमालय की वादियां भी ताराकुंड से साफ नज़र आ रही थी। पांडव शैली में बना हुआ है मंदिर, उसके ठीक उस तरफ हल्की जो आपको इसकी राइट हैंड साइड में चोटी दिखाई दे रही है केदार डोम है, और ये ताराकुंड नाम ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है इस 2400 मीटर की हाई एल्टीट्यूड पे एक कुंड भी है जो कि चाल खाल टाइप का कुंड है। ठीक सामने जो पीक केदार डोम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ताराकुंड पहुंचने के बाद जो है ये पांडवकालीन आपको ये मंदिर यहाँ पर पे दिखाई देता है, और पैठाणी या चाकीसैंड से होते हुए जो है एक बड़ेद गांव यहाँ पे पड़ता है। बड़ेद गांव से ऊपर आपको पैदल आना होता है, करीब लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास का बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ट्रैक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हरास कंडीशन नहीं है, थोड़ा स्टेप है लेकिन ठीक ठाक है, और खूबसूरती बिल्कुल ही पौड़ी की यहाँ से देखने को बिल्कुल ही खूबसूरती बनती है। ये पूरा का पूरा पौड़ी लगभग यहाँ पे से पूरा का पूरा कवर अप हो रहा है। नीचे पैठाणी है, उस तरफ के लिए आपको ऊपर आखिरी चोटी में कहीं पे वो बहुत ही बड़ा एक जो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मकान वगैरह हैं तो वो मे बी शायद पौड़ी है। ये पीछे जो मिडिल हिमालय की पूरी रेंज है, लगभग सभी जितनी भी पीक्स हैं ये 2200 मीटर से ऊपर की सारी पीक्स हैं, ये सारी मिडिल हिमालय की पीक, और ये पैठाणी से लेकर के इस तरफ का जो पूरा का पूरा सर्किल है, ये सर्किल जो है ये दूधा तोली रेंज है जो इस तरफ से जो है उस तरफ के लिए इस मंदिर के ठीक उस तरफ के लिए जो है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, और ये लगभग 75% जो एरिया इस दूधा तोली का जो पड़ रहा है वो जो है वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। पीछे की तरफ के लिए अल्मोड़ा भी टच होता है, लेकिन शायद ही आपने इससे पहले सुना और कहीं देखा होगा कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कोई एरिया जो बिल्कुल चमोली से टच होता हो। ताराकुंड में टॉप की तरफ आने के बाद जो है ये ठीक पीछे वाला जो इलाका है ये है गैरसैंण और चमोली डिस्ट्रिक्ट वाला, ये पूरा का पूरा इलाका है। कभी किसी ज़माने में लोग जब घास वगैरह काटने के लिए जाया करते थे तो अलग अलग एरिए डिवाइडेड होते थे, तो ये इस तरफ के लिए जो है ये पूरा गैरसैंण वाला इलाका है। पीछे ठीक सामने आपको जो है माउंट चौखंबा दिखाई दे रही है, माउंट चौखंबा 7110 मीटर के आसपास, उसके इस तरफ के लिए जो है जो ये कर्व टाइप का ये केदार डोम का जो ये पूरा का पूरा इलाका है जिसके नीचे जड़ पे केदारनाथ है, और उस तरफ के लिए जो है बंदरपूंछ गंगोत्री जो पीक है उत्तरकाशी की तरफ की वो भी यहाँ से दिखाई दे रही है। हिडन जेम्स हमने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको ताराकुंड के लिए बोला था क्योंकि आप व्यू पॉइंट हिमालय देखने के लिए जाते हैं तो आपको हर कोई सजेशन देगा कि कौसानी चले जाइए, आपको कोई सजेशन देगा कि विंटर लाइन देखने तो मसूरी चले जाइए, आपको सजेशन देंगे लोग कि नैनीताल जाइए, नैनीताल में मुक्तेश्वर जाइए, मुक्तेश्वर से आपको बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में वहाँ आपको जो है ये नेचुरल अनटच ब्यूटी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी जो आपको इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रही है। शांत बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा एटमोसफियर है, और जो दूधा तोली पूरी की पूरी रेंज है ये लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास का पूरा इलाका जो ये है, लगभग हर पीक इसकी 3000 मीटर के अबव की इसकी पीक है, और जो इसका सबसे ऊंचा जो पीक है वो है मूसा का कोटा जो कि थैलीसैंण की तरफ से भी आप जा सकते हैं और
गैरसैंण की तरफ से भी वहाँ का जो रास्ता है, तो इसीलिए हमने इसे अनटच ब्यूटी बोला। और बहुत ही खूबसूरत ये नेचर। सुबह इस कैंप साइट को दोनों तरफ एक्सप्लोर करने के बाद जो है अब हम अपना जो है ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में सुबह जहाँ पहले हमने कॉफ़ी पी थी, अब मैगी टाइम, और मैगी इस वक्त बनाई जा रही है। कैंप साइट में हमने जो है अब अपना टेंट वगैरह जो है वो समेट लिया है, और फिलहाल जो है हम ताराकुंड में यहाँ पे अब पैकअप करेंगे, क्योंकि हमें टाइम से नीचे भी उतरना है। नीचे उतरने के बाद जो है हमें फिर घर भी जाना है। तो यही यहाँ से हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अनटच ब्यूटी है ये। विकास भाई का भी जो है पूरा का पूरा अचानक से रात को एक सडन प्लान बना और हम यहाँ पहुँचे। और हमारी फिर ज्यादा वो भी नहीं तैयारी, हमने रात को बात की और अगले सडनली हम निकल पड़े। कोई ऐसी प्लानिंग के साथ हम यहाँ नहीं आए। तो जितने भी लोग इस वीडियो ब्लॉग को देखेंगे तो उन्हें सिर्फ यही मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं कि अनटच ब्यूटी है, आप यहाँ ज़रूर एक्सप्लोर करें। और जितने भी कमर्शियल ट्रैक हैं, है ना, चाहे हम मुक्तेश्वर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, केदारघाट चले जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और इस तरीके की जो है अनटच ब्यूटी मिलती भी नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आदमी मतलब अपने मतलब अगर कुछ करना चाहता है अपने हिसाब से करना भी चाहता, अगर ज़्यादा लोग हैं तो कर नहीं पाता है। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल आप एज ए सोलो ट्रैवलर जो है अपने आप को जो एक्सप्लोर करने के लिए, और जो पीस ऑफ माइंड जो आप यहाँ महसूस करोगे वो आप उन जगहों पे नहीं कर सकते। और फिर थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ मतलब जैसे यहाँ पे सारा काम खुद से करना है, हाँ, तकनीक इकट्ठा करनी है, पानी लाना है, खाना बनाना है, तो एक ये टाइप का एक्सपीरियंस है कैंपिंग करने का, मतलब कि ऐसे रियल कैंपिंग इसे कहते हैं। अब तुम कहीं गए वहाँ पहले से रूम होटल से तुम बैठे खाए पिए, फिर उसके बाद तो सारा अरेंजमेंट भी उन्होंने करा, तो वो चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते, मतलब खुद से नहीं कर पाते, तो वो तमाम चीज़ें आप जो है यहाँ जरूर कर पाओगे, यहाँ बिल्कुल कर पाएंगे। और एक जो पूरा का पूरा जो बॉडी अगर यहाँ से वेदर अगर साफ है, अगर साफ रहे तो बहुत ही, आज तो बहुत थोड़ा क्लाउडी भी है, थोड़ा जो धुंध भी है, और यहाँ से ऊपर जाने पे तो पूरा हिमालय व्यू इतना बढ़िया है, पर आज थोड़ा सा मतलब आसमान ज्यादा साफ नहीं है, पर वरना वहाँ से पूरा इतना बढ़िया व्यू है हिमालय का। और अभी मैं कौसानी जा रखा था तो सेम ऐसा ही व्यू था, मतलब आगे ऐसे मतलब हिमालय था, और मतलब ऐसे देवी वाली पूरी रेंज दिखाई देती है, पूरी दिख रही थी पंचकुली तक, सेम यहाँ से वो इसी बस मतलब वो ऐसी दिख रही है, और बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पांचवी बार आ रहा हूँ, पर आता ही रहता हूँ यहाँ पे, हर साल एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, ऐसी दो जगह घूमने। तो आपको अगर सच में जो है रियली अनटच ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है तो ताराकुंड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। नीचे जो गांव है उस गांव से लेकर के ऊपर तक कुछ इतना हरा ट्रैक भी नहीं है, थोड़ा बहुत वो स्ट्रेप जो क्लाइंब है वो है, लेकिन आप इजीली जो है 2-3 घंटे में आसानी से, और पूरा बॉडी इतना अनटच है, मतलब जैसे कोई भी आता है बाहर से दिल्ली दुल्ली से तो यहाँ से छट जाते हैं देहरादून उत्तरकाशी इधर के लिए कुमाऊं के लिए, पर पौड़ी पौड़ी वहाँ से छूट जाता है, पौड़ी में जितना बढ़िया है मतलब पीस है, भीड़ नहीं है, कहीं से दूधातोली खास करके इस रेंज में, दूधातोली रेंज में बिल्कुल भी, मतलब इसीलिए कहते भी हैं इसको अनटच ब्यूटी, पर यहाँ पे बिल्कुल मतलब मजेदार है, मतलब अपना मतलब अकेला है और मेन बहुत अच्छा है, मेन पांच नदियां भी यहां से निकल रही हैं, मेन कहीं से निकलती है पांचों भी, यहां पांचों कहीं से निकलती है, चाहे आप जो है पूर्वी और पश्चिमी नयार, आटाघाट भी निकलते जो इधर आटाघाट जो है कर्णप्रयाग ये इस तरफ के लिए थराली की तरफ जो है ये उसमें मिल जाती है, तो यहाँ से पांचों ओरों के लिए भी मतलब एक इधर के लिए बहती है, तो सारी नदियां सदा बाहरी है। और मतलब और अगर देखा जाए दूधातोली पौड़ी की जान है,
मतलब पौड़ी इसके बिना कुछ नहीं, पौड़ी में पानी जंगल नहीं भी इसी में आता है और 75% पूरे दूध तोली रेंज ये आता है। अगर ये जंगल इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी से पूरा मतलब ये पूरा गढ़वाल चल रहा है आगे तक का पानी पुनी हर चीज दूध तोली दे रहा है, क्योंकि बीरों खाल से लेकर के रिकनी खाल वाले इलाके में पूरा पानी पूरा का पूरा पानी जैसे बाबो से जो पूरी ये रिवर है वो भी पानी इसी दूध तोली रेंज से निकल रहा है। यही से सब रामनगर से लेकर के पूरी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के जो इटावा की तरफ जाकर के जो रामगंगा गंगा में मिलती है वो रामगंगा भी यहीं से निकल रही है। तो आप जरूर आओ और इस जगह दूध अतोली को एक्सप्लोर करो और साथ में ताराकुंड, अगर आपके पास कम समय है तो ताराकुंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है मतलब अगर आपको एक्सप्लोर करना है जंगलों को बिल्कुल मतलब अनटच को, तो आप दूध अतोली जाइए और उसको एक्सप्लोर करने में अच्छे से अगर आपको एक्सप्लोर करना है उसकी पीक से लेकर पीक तक हर एक जहाँ से पाँचों बहती है नदियाँ, तो आपको 3 या 4 दिन का टाइम हो जाएगा जो आप अगर अच्छे खासे ट्रैकर हो, और अगर अच्छे खासे नहीं हो थोड़े हल्के फुल्के हो तो 5-6 दिन में आपका ट्रैक हो जाएगा पूरा जंगल का। दो बार जो है विकास भाई ने उसे एक्सप्लोर भी किया है और आपने उसके अपने यूट्यूब चैनल में उसकी वीडियो भी डाली है, उसे हम डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर देंगे और एक बार आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से जो है दूधा तोली को आपने विंटर में एक्सप्लोर किया था। विंटर में उसे एक्सप्लोर करना बहुत टफ है, 3500 मीटर से ज्यादा की हाइट है, इतनी वहां पे मतलब स्नो होती है बहुत मतलब बहुत टफ है। हिमालय की सबसे हाईएस्ट लोग जो है मसूरी की तरफ गए तो लोगों ने नागटिब्बा को सबसे ऊंचा बता दिया, लेकिन हकीकत यह है कि दूधा तोली सबसे ज्यादा दूधा तोली तो हिमालय की सबसे सबसे ऊंची चोटी है। पर मतलब कहते हैं हर जगह नागटिब्बा नागटिब्बा नहीं है, ये वाली नागटिब्बा जो है कहीं इसके मुकाबले में कुछ नहीं, इसके मुकाबले में हाँ, मतलब फादर ऑफ नागटिब्बा बोल सकते हैं, कह सकते हैं इसको बिल्कुल ही, क्योंकि नागटिब्बा में ना आपको जो इस तरीके से नेचुरल ब्यूटी, इस तरीके का जो डेंस फॉरेस्ट भी नहीं दिखाई देगा और जितनी जो है औषधीय जो यहाँ मिलती है यहाँ है वो आपको उधर वो वैसा नहीं मिलेगा। और बिल्कुल मतलब एक इस टाइप का जंगल है, आप कहीं जा रहे हो तो मैं अचानक से दूसरा ही आ जाएगा कोई सीन, मतलब जैसे यहाँ से है बिल्कुल जैसे ये वाला इलाका है आप अचानक देख रहे हो बिल्कुल खुला खुला सा है, लेकिन हम अभी यहीं पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। अब जैसे हम यहाँ से आए थे कल तो फिर अचानक से ये तालाब दिख गया वो ऐसा दिख गया बिल्कुल टप्पर इस तरफ से ऊपर आने में जो थोड़े पठार टाइप का पहाड़ टाइप थोड़े इसको कहते भी है तुदा तोली को मतलब पठार भी कहते हैं पामीर कहते हैं पामीर का पठार भी हाँ हाँ तो इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड का पामीर, क्योंकि पामीर जो है वो जो जम्मू कश्मीर जो ये जो तिब्बतन वाले में वहाँ भी जो है वो इसी तरीके का एक सर्कल है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी इसी तरीके का एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट होता है उसी तरीके का यहाँ पर भी है, तो इसीलिए इसको मतलब यहाँ का पामीर भी कहते हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून और अब करते हैं वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को जो है विकास भाई के चैनल को हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उससे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए और इसी तरीके से उत्तराखंड से रिलेटेड आप और भी ज़्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अगर उत्साहित करेंगे तो तभी हम जो है तभी हम देखेंगे बात सही है, तभी हमको मतलब ऐसा मिलेगा कि हम कहीं घूमने भी जाएं कि लोग जानना चाहते हैं देख रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है अच्छा हमारा कंटेंट देख के देख करके कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम वो तमाम चीजें दिखाएं जो और कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि लोग आजकल वीडियो ऐसे बनाते हैं हमने खाना खा लिया और कोई जगह ही दिखती है हमेशा कि मनाली चले गए वो तमाम चीजें वो कमर्शियलाइज हो चुकी है, कमर्शियलाइज जगह है और वहाँ पे मतलब अगर अब नहीं बचे क्योंकि पैसा चाहिए घूमने पैसा चाहिए वहाँ पे और या फिर तुम्हारे पास पूरा अपना कैंपिंग सेटअप की तुम चले गए इस टाइप पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी ज्यादा पे अंग्रेजों ने वो जगहें बसाई थी तो अंग्रेज भले वक्त से चले गए लेकिन अगर वो सच में यहाँ और लंबे समय तक रहते हैं तो वो जरूर यहाँ पे उसी तरीके यहाँ पे जरूर मतलब इस टाइप की एक्टिविटी उसी तरीके के ध्यान उन्होंने जरूर यहाँ भी देना। चलो हम हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगी और बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी।